हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। आज मैं आपको एक ऐसे कमाल के एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप सारे एप्लीकेशन का वॉल्यूम कंट्रोल कर सकती हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए आप YouTube यूज कर रहे हैं, उस समय अगर आपके फोन में कोई कॉल आता है तो रिंग कितना होना चाहिए, जो उसका अलार्म का वॉल्यूम वह कितना होना चाहिए, मतलब आप सब कुछ अपने मोबाइल में ही सेट कर पाएंगे सारे एप्लीकेशन के लिए अलग अलग से। दोस्तों, अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आप आगे वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखो, मैं आपके लिए इतनी कमाल की एप्लीकेशन लेके आया हूं, तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक बनता है। आपको लाइक पे क्लिक करके वीडियो को लाइक कर देना है, और आपको शेयर पे क्लिक करके वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां पर भी आप शेयर करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, उसके बाद में घंटी पे दबा के ऑल पे कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। अब दोस्तों, आपको नीचे आना कमेंट सेक्शन में, आपको यहां पर एक प्यारा सा कमेंट करना है, नाइस एप्लीकेशन। और दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या समझ में नहीं आता है, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए बढ़ते आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको प्ले स्टोर में वो एप्लीकेशन नहीं मिलेगी, तो आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर लिंक मिल जाएगा, आपको जाके इजिली डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद में आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन यहाँ पे है, तो आपको सिंपली ओपन कर लेना है। तो जैसे आप ओपन करेंगे, आपको कुछ परमिशन देना है, तो चलिए हम परमिशन दे देते हैं। ओके, फिर आपको सेकंड परमिशन देना है, ओके अलाउ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे एप्लीकेशन को परमिशन दे दिया। अब दोस्तों, आप यहां से सारे के सारे एप्लीकेशन के वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं व्हाट्सएप पे चले जाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको व्हाट्सएप का ही करके दिखा देता हूँ, अभी आप समझ जाएंगे। आपके मोबाइल में जितना सारा एप्लीकेशन रहेगा, सारा का सारा एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना यार। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हम आपसे बातें भी कर लेंगे, लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो जरूर करना। ठीक है, अब आ जा व्हाट्सएप किधर है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर व्हाट्सएप आ चुका है। तो सिंपली सबसे पहले आपको इसको यहां से ऑन करना है। जब आप ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर तीन ऑप्शन आ चुका है, यानी जब भी आप अपने व्हाट्सएप को यूज करेंगे तो आपका फोन उस समय क्या होना चाहिए, वाइब्रेट में होना चाहिए या साइलेंट होना चाहिए या नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल होना चाहिए तो भाई जो रिंग है वह कितनी होनी चाहिए, ठीक है, जो मीडिया का वॉल्यूम वह कितना होना चाहिए, सिस्टम जो कॉल का है, जो नोटिफिकेशन का है वह कितना होना चाहिए, सब कुछ आप यहां से सेट कर सकती हैं। अब दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं क्लोज। ठीक है, तो फिलहाल हमने व्हाट्सएप का सेट कर दिया। आप देख सकते हैं कि ऊपर व्हाट्सएप ऐड हो चुका है यहां पर। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल करके रखा हूं। ओके, अब मैं इसको क्लोज करता हूं। अब मैं आपको यूट्यूब का करके दिखा देता हूं। यूट्यूब का यहां से ऑन करना है। जैसे आप ऑन करेंगे, अब आप देख सकते हैं, आप सेम टू सेम उसी तरह से इसको भी मैनेज कर सकते हैं, यानी जब भी आप यूट्यूब यूज करेंगे उस समय नॉर्मल, वाइब्रेट, साइलेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें कर देते हैं साइलेंट, बस मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए साइलेंट कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको रिंगिंग वॉल्यूम कितना चाहिए, मीडिया, अलार्म सिस्टम, वॉइस कॉल, नोटिफिकेशन, आपको यहां से सब कुछ मैनेज कर लेना है। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। आप देख सकते हैं कि यहां पे मैं दो एप्लीकेशन को ऐड कर लिया हूं। तो दोस्तों, इस तरह से आप यहां से सारी की सारी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, उस समय किसी का कॉल आता है तो रिंगिंग बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, आप सब कुछ सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूं, एग्जाम्पल दिखा देता हूं। अब अगर मैं अपने व्हाट्सएप में गया, ठीक है, अगर मैं अपने व्हाट्सएप में गया तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा फोन है नॉर्मल है। ठीक है, जो मेरा फोन है नॉर्मल है, आप देख सकते हैं कि यहां पे नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर मैं अपने यूट्यूब में जाता हूं, ओके, तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक नोटिफिकेशन आया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां से साइलेंट हो चुका है। ठीक है, यानी ये एप्लीकेशन एक्टिवेट है, और जैसे जैसे हमने सेट किया है ये एप्लीकेशन तुरंत जो हमने सेट किया था वह काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मेरा मोबाइल साइलेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर साइलेंट का ऑप्शन है। ठीक है, ऊपर आपको साइलेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, घंटी पे कट है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। काफी कमाल की एप्लीकेशन है, काफी छोटी एप्लीकेशन है।
तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। आप देख सकते हैं कि मेरा फोन नॉर्मल हो चुका, जैसे मैं YouTube से बाहर आया मेरा फोन नॉर्मल हो चुका। अगर मैं YouTube में जाऊंगा तो मेरा फोन साइलेंट हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि साइलेंट हो गया। ठीक है, तो काफी कमाल की एप्लीकेशन है। अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, एक बार जरूर ट्राई करना। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।